हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। आज मैं आपके सामने एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। आज मैं आपके सामने कस्टर्ड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है, इसको मैंने बॉयल कर लिया और हाफ कप मिल्क में मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया। ड्राई फ्रूट है, कैशू है, रेजिन्स है, टूटी फ्रूटी है, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो आप दे सकती हैं। वो शुगर था। हमारा मिल्क बॉयल हो चुका, मैंने कस्टर्ड इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे चलाऊंगी ताकि कोई लम्स ना रहे और ये तुरंत ही थिक हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको कस्टर्ड बनने में। देखिए हमारा थिक हो गया, 5 से 7 मिनट्स में हमारा ये थिक हो जाता है। अब मैं 2 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। ये सब ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिया। अब मैं इसे चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। वनीला एसेंस है, ये मैं थोड़ा डालूँगी, इससे अच्छा फ्लेवर हो जाएगा हमारे कस्टर्ड का। आपके पास अगर जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप डाल सकती हैं, पिस्ता है, बादाम है, जो भी चाहें डाल सकते हैं। ये अब मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है ये। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। ये हमारे पास चोको चिप्स है, टूटी फ्रूटी है, एक डेरी मिल्क है, ये फ्रूट में एप्पल है। आपके पास अगर पपाया है, पाइन एप्पल है, आप कुछ भी फ्रूट में डाल सकते हैं, मैंगो है। इसे मैं गार्निश कर रही हूँ टूटी फ्रूटी से, चोको चिप्स, कुकीज़ है और हमारे पास एप्पल है, ये डेरी मिल्क है, इसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप कुछ भी ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं, ओरियो बिस्किट भी आप डाल सकती हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत ही अच्छा स्वीट डिश है ये, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को इस तरह से आप बनाकर खिला सकती हैं। देखिए कितना यम्मी एंड डिलीशियस स्वीट डिश हमारा लग रहा है। दिस स्वीट डिश इज़ जस्ट रेडी टू सर्व। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। टिल देन, बाय।